वर्क प्लेस बिल मैंने खुद जो है उस वक्त में वफाकी वजीर था, मैंने प्रेजेंट करके मंजूर करवाया। बट्टा वगैरह में जिस तरह से औरतों को जो है भेड़ बकरियों की तरह उनकी जगह दिया जाता था खून बहा के इफ्जाने में, वो भी कानून में हमने मुंदर्ज किया और उनको जुर्म कर दिया। मुझे मुंतखब किया था 5 साल के लिए और पहली पाकिस्तान की तारीख में मैं मुत्तफिका वजीर आजम बना। अगर मैं नाअहिल हो गया तो आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी राय जो थी वो गलत थी? मैं लड़कर ये साबित करना चाहता हूँ कि ताकत जो है वो आवाम है, किसी और इदारे के पास नहीं। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इलेक्शन का मैदान लगेगा, घोड़ा भी हाजिर होगा, मैदान भी हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर, मैं हूं महर बुखारी। मिस्र के तहरीर स्क्वायर पर एहतजाज करने वाले मिस्री हिलरी क्लिंटन का नाम पैगाम ये देते हैं कि हम मिस्र को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये मिस्रियों का गुमान है कि हम आमरियत नवाज कौम है, मगर हक तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मिस्री 30 साल से एक आमिर की कैद में थे और अब मुसल्ला फाज के सुप्रीम काउंसिल के, और हम जमहूरियत के वो दीवाने कि हमने 35 साल में 4 आमिर भुगताए। हर बार जमहूरियत को यहाँ गाली बनाया गया और हमने हर बार इस गाली को सीने से लगाया। अब ये जमहूरियत के घोड़े की काठी पर सवार हमारे नुमाइंदों की मर्जी कि वो हमारे साथ जो सलूक करें। इख्तियारात मोहब्बत को समझता हूँ मैं, आप बेवजह भी कर सकते हैं बर्बाद मुझे। जमहूरियत से हमारी मोहब्बत सब पर आया और जमहूरियत के अमलदारों का इख्तियार भी बेपनाह। वो चाहें तो बेड़ा पार करें या साहिल पर ला डबोएं, उनकी मर्जी। मगर अब इस मर्जी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है कि हुक्मरानों को अपनी ज़रूरत पड़े तो कानून साजी अगर उन्हें करनी हो तो देर नहीं लगती, मगर अवामी मुफाद में कानून साजी लटकी रहती है। दुरुस्त कहा गया। फ्लोर क्रॉसिंग की आईनी तरमीम 12 मिनटों का खेल, ज़रूरत नवाज शरीफ साहब की, जवाज जमहूरियत की मजबूती के लिए, लोटाक्रेसी का खात्मा, तोहीन अदालत का नया कानून 2 घंटों में मंजूर, ज़रूरत पीपल्स पार्टी की, जवाज आइन का दिफा और मकसद अदालत से वजीर आजम को पनाह भी और सदर मुमलकत का तहफ्फुज भी, मगर इंसानी अजा की खरीदो फरोख पर पाबंदी का कानून गैर मुकम्मल और पिछले 4 साल से एहतसाब का कानून ज़ेरे इल्तवा। सो जमहूरियत अपने अमलदारों की वजह से सरे बाजार फिर गाली बन रही है, मगर जमहूरियत से मुस्तफीद होने वाले यहाँ भी कई कई जवाज रखते हैं। जनाब यूसुफ रजा गिलानी फरमाते हैं कि मैं एक जमहूरी वजीर आजम था, मेरी नाअहली का फैसला दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ पीपल यानी के लोगों की तौहीन है, और कल मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब को वो अदालत के फैसले पर अवाम के फैसले का दिन कहते हैं। मगर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का क्या है, बरसर इक्तदार लोग ही जीता करते हैं। इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात पर यकीन नहीं रखते और मुस्लिम लीग नून अब्दुल कादिर गिलानी के मुकाबले में खुलकर सामने नहीं। वजूहात पर फिल वक्त बात करना मकसूद नहीं, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ज़िमनी इंतखाबात को असल मारका नहीं समझते। वो कहते हैं कि हुकूमत निगरान सेटअप के लिए मुज़ाकरात का आगाज करे, आम इंतखाबात में किसकी क्या हैसियत है सबको पता चल जाएगा। गालिबन उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ था कि जिनकी जमात के बारे में चौधरी निसार साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ जनरल शुजा पाशा की टेस्ट ट्यूब जमात है। खैर, निगरान सेटअप के क्याम और इंतखाबात के ऐलान में हुकूमत को जल्दी इसलिए नहीं क्योंकि खजाना खाली पड़ा है और इंतखाबात का माहौल अपने हक में बनाने के लिए हुकूमत को पैसा दरकार है, और ये पैसा अमरीका और इसके इत्तेहादियों के कोएलिशन सपोर्ट फंड से आना है कि जिसने 2.5 अरब के हमारे मुतालबे पर कैंची चलाकर इसे 1 अरब 3 करोड़ कर दिया है, और हम इस पर भी राजी हैं। हमारी टीम एज वी सीक मुआहदा करने के लिए अमरीका में मौजूद है कि जो पहले नेटो सप्लाई के हर ट्रक पर $5,000 की मुतकाजी थी अब मुफ्त में बदनाम होने पर तुली पड़ी है, जबकि सैयद मुनव्वर हसन का मामला कहाँ ऊँट पे बैठोगे, कहाँ ऊँट पे बैठेंगे, कहाँ कहाँ का डर है, कहाँ कुहान तो होगा वाला है। मुनव्वर हसन साहब ये फरमाते हैं कि नेटो सप्लाई खुली रही तो पाकिस्तान में भी अरब ममालिक वाला एक इंतशार फैल जाएगा। अब नेटो सप्लाई खुल चुकी है एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली खुली भी रहेगी, यही हकीकत है, क्योंकि पुरानी रीत के मुताबिक मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए और अपनी जेब में कड़की है। पैसा कमोबेश हर दौर में और एज ऑलवेज सुपर ताकत की तरफ से ही आएगा।
सुनेटो सप्लाई पर किसी की तंबी, किसी का एहतजाज, किसी का इलेक्शन ना करवाने का गिला, किसी का जल्द करवाने का एतराज, अदालत के सवाल, हुक्मरानों के जवाब, इन सब पर बात मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सूरत हाल ये है कि सैयद मुनव्वर हसन साहब का कहना है कि नेटो सप्लाईज ना रोकी गई या खुली रहीं इसी तरह तो अरब ममालिक जैसा इंतशार इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी फैलेगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि अवाम के मुफाद में अगर कोई कानून साजी होनी हो तो वो लटकी रहती है और अपने हक़ में अगर करनी हो तो वो मिनटों में पास हो जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली लगता है कि ग्राउंड रियलिटी भी यही है। इसके साथ साथ कल मुल्तान में इलेक्शन भी है। आज हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तस्नीम कुरैशी साहब, MNA हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं पानी और बिजली। हमारा साथ दे रहे हैं नसीर भुट्टा साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पराचा साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। अरब ममालिक जैसा इंतशार फैल जाएगा इस मुल्क में, मुनव्वर हसन साहब कहते हैं कि बंद करवाने को आए तो हम खुद भी करा सकते हैं, फिर अमन रैलियाँ भी निकल रही हैं, इस सब कुछ का क्या मकसद है? बिकॉज ऑन द अदर हैंड जो हमें नज़र आ रहा है पराचा साहब, कुछ भी नहीं बदलना, जो हो रहा है इसी तरह रहना है। देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मामला ये है कि ये इंतशार का लफ्ज़ नहीं है, इनकलाब का लफ्ज़ है। अरब ममालिक के अंदर इंतशार नहीं है, वहाँ तो लोग जो हैं वो बिल्कुल अपनी एक उसमें निकले हैं, एक जद्दोजहद की है, सड़कों पे आए हैं, पुरअमन तरीके से आए हैं और फिर उसके बाद इंतखाब में वो मामला चला गया। यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी यही मामला है कि मामलात के अंदर जिस रास्ते को इख्तियार किया है हमारे हुक्मरानों ने, अमरीकी गुलामी को, आज आपको मालूम है हिलरी क्लिंटन ने जब दौरा किया है उसका मिस्र का, तो एक प्ले कार्ड एक आदमी के हाथ के अंदर था कि मिस्र को पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता, पाकिस्तान ना समझो, मिस्र को पाकिस्तान ना समझो। यानी गोया के आज दुनिया के अंदर हमारे हुक्मरानों ने इतना बेवकत कर दिया, बेवकार कर दिया है, और इस अंदाज पे कि जी हमें ताने मिल रहे हैं कि जी जो है वो पाकिस्तान, तो गोया के हम ये समझते हैं कि ये सारे मामले में हालात इस तरफ ही जा रहे हैं। अगर हुक्मरानों ने नहीं, अगर आप बुरा ना मनाइए तो हालात को जांचने के लिए और समझने के लिए बस जमात इस्लामी ही आज रह गई है। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ भी संजीदा नहीं, इमरान खान भी संजीदा नहीं, पाकिस्तानी फौज भी डूबियस रोल अदा कर रही है, ये हुक्मरान तो हैं ही, चोर तो रहे कौन गया पीछे? मेहर हम तो अवाम की बात कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम ही हैं, लेकिन हम मैदान में हैं। हम अगर जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, हमने बाबे खैबर के ऊपर जाकर धरना दिया है, हमने नेटो सप्लाई के रास्ते के ऊपर हमने हजारों आदमियों को लेके पहुंचे हैं, तो मतलब हमारा ये है, हम ये नहीं कहते कि ये हम ही हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए, बाकियों को भी हम कहते हैं कि आपको करनी चाहिए। जिन्होंने पार्लियामेंट में ये बड़ा समझा कि हमने बहुत कुछ इनसे मनवा लिया है और वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं, आज ज़ीरो पॉइंट पे है, तो कम अज़ कम उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी तो अदा करनी चाहिए कि जब आपकी बात, पार्लियामेंट की बात जो है वो नहीं मानी गई, तो जो छोटी छोटी बात पे भी तहरीके इस्तेहकाक चली जाती हैं कि जनाब मेरे थानेदार ने मेरा टेलीफोन नहीं सुना, तो इतने बड़े मामले पे कि पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, एक जर्रा बराबर बात अपालोजी तक, यानी अनकंडीशनल अपालोजी, वो भी नहीं मानी गई। सिर्फ ये हुआ कि जी सारी हुआ, दो औरतों के बाद दरमियान बात हुई है और कौम को नहीं पता कि किसने सारी की है, यानी ऐन मुमकिन है कि हिना रवानी साहब ने सारी की, ये तो बात आ गई कि दोनों ने की है और हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने किस बात पे सारी की है। सही है, सही है। पराचा साहब एक से इजाजत दीजिए, भुट्टा साहब आपकी जमात क्या किरदार अदा कर रही है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि तहरीक निकालेंगे, अवाम को सड़कों पर लाएंगे, ड्रोन अटैक्स रोकने चाहिए, नेटो सप्लाई बहाल नहीं होने देंगे, वापस आते हैं अपने टूर से और एक लफ्ज भी नहीं। और अगेन जिस तरह आपने अभी पराचा साहब जमात इस्लामी की भी बात सुनी, यकीनन शायद महसूस होने लगा है आवाम को कि शायद आपकी जमात भी संजीदा नहीं है इस हवाले से, इट्स ओनली रेटरिक। मेरा ख्याल ये है कि इस इशू को अगर हम इस तरह देखें तनाजुर में जो फैक्ट्स हैं और जो फिगर्स हैं और ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्टिव के हवाले से देखें, तो हमने हमेशा इशूज़ के हवाले से बात की है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर भी हमने अपना एक रोल अदा किया है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग दिस 92 मेम्बर्स, और साथ ही साथ हमने पब्लिक के अंदर भी जा कर के इशूज़ को सेंसिटाइज किया है। देखिए पार्लियामेंट की अगर आप बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट के अंदर जितने ख़ास तौर पे एहतसाब बिल के हवाले से हमारा एक स्टैंड है, हमारा एक मौकफ है कि भाई जो एहतसाब बिल है ये टूथलेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फोर्सफुल लॉ जो सबको प्रोसिक्यूट करे
किसी को किसी की गोद में ना बैठाए, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो उसके फॉर एवरीवन, और प्रोसिक्यूशन जो हो वो मजबूत प्रोसिक्यूशन हो। और इसी तरह हमने 20th अमेंडमेंट, अब लेटेस्ट अमेंडमेंट जो ले लें। भुट्टा साहब, आप तो अब कानून साजी पे आ गए हैं ना, ये तो एक 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 सवाल उठाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि कानून साजी हुक्मरानों के हक में जो है वो मिनटों में हो जाती है, क्यों नहीं अवाम के हक में होती है, ये एक इशू है। इसकी तो मैंने एक बात अभी पहले छेड़ी है, पहले इस चीज़ का जवाब दीजिए कि क्यों मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चुप का रोजा रखे बैठी है नेटो सप्लाईज पे, या तो खुल के ये कह दीजिए कि जो एक्सरसाइज दफाए पाकिस्तान काउंसिल कर रही है और जमात इस्लामी कर रही है, इट्स ऑल इन वेन, इसका कुछ नहीं निकला, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। देखें, पार्लियामेंट के अंदर हमने नेटो सप्लाईज के हवाले से जो मौकफ इख्तियार किया है वो तो पूरी पार्लियामेंट का है, और इससे पहले ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो मौकफ हमने इख्तियार किया वो भी आपको याद होगा कि हमारा जो रोल है जमात इस्लामी और हमने टूथलेस मौकफ है, और अगर इससे बाहर कोई पार्लियामेंट के बाहर अगर कोई रोल हमें अदा करना पड़ा है तो वो भी तारीख आपके सामने है, रिवाइवल ऑफ जुडिशरी, रिवाइवल ऑफ जुडिशरी। और तीसरी बात, अदलिया की बहाली का है ना, व्हाई यू मिक्सिंग इश्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट नेटो सप्लाई। आपको आज टूथलेस ऑपोजिशन फिर कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आप संजीदा नहीं है अवामी मसाइल पे, क्यों ये कहा जा रहा है? मैं कह रही हूँ पहले लेट्स गेट ओवर दिस एलिगेशन। नहीं, मेरा ख्याल है ये है कि इस इंप्रेशन को हम डिस्पेल करते हैं, वो इसलिए डिस्पेल करना चाहते हैं कि नेटो के हवाले से हमारा मौकफ और मजबूत तरीन मौकफ रहा है, और नेटो के हवाले से जब इन्होंने ये नेटो रेस्टोर किया है तो उसी वक्त हमने ये बबांगे दोल कहा था कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल लेट गई है, और हुकूमत ने उससे भी बुरा रोल अदा किया है जो मुशर्रफ ने आज से तकरीबन 8 साल 10 साल पहले रोल अदा किया था कि एक टेलीफोनिक कॉल के ऊपर वो लेट गया था और जितना जो कुछ देना था वो दे दिया था। आप मसला समझ रहे हैं ना, मसला समझ रहे हैं आप? बहाली के फौरन बाद अब जो साबिक सफीर कैमरन मंटर बन चुके हैं उनका कहना था कि आपकी रजामंदी से ये हुआ है, आप ऑन बोर्ड थे और आप हमायती हैं अमरीका के, फौरन बाद ये बयान आया, उसके बाद मुनव्वर हसन साहब कहते हैं आप संजीदा नहीं हैं, इसको आप किस तरह डिस्पेल करेंगे? Because you really did not come out and do anything out on the streets। कैमरन मेंटर का जो बयान है वो ये बयान था कि जी हमारी हमायत हासिल है अमेरिका को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, मैं अपनी एक कॉमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी मुस्लिम लीग नून जो है उसका मैं यही बताना चाह रहा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये नहीं है कि हम अमेरिका के सामने लेटते हैं, बल्कि वो तो ये है कि हम अमेरिका के सामने खड़े होते हैं, डट जाते हैं, 6 फोन आते हैं, हम फिर भी न्यूक्लियर जो है ब्लास्ट करते हैं, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाते हैं, पाकिस्तान को न्यूक्लियर क्लब में शामिल करते हैं। उस वक्त मियां नवाज शरीफ का जो रोल था पूरी कौम को जब वो लीड कर रहे थे, 2/3 मेजोरिटी थी, ही वॉज जस्ट प्रेसिंग द नर्व्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कतन ये जो मौजूदा रोल है इस हुकूमत का वो भी आप कंपेयर कर लें कि इस हुकूमत ने क्या किया है। वो तो बात सही है ना, मगर अपोलॉजी तक मगर आपको मजीद नजामी का भी सेंटेंस याद होगा कि धमाका आपने ना किया तो लोग आपका धमाका कर देंगे, तो वो भी हमें सब दैट्स ऑल्सो इन परस्पेक्टिव वो भी याद है। मगर अगेन पराचा साहब, इससे पहले मैं कुरैशी साहब की जानिब जाऊँ, आपने इनकी बात सुनी, इनकी ये कहते हैं कि हमने असूली मौकफ रखा है अंदर भी। देखिए, मैं मौकफ जो होता है वो उसकी मौकफ जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है जी कि जी ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, ये भी कहते हैं बंद होने, फर्क क्या चीज है? फिर ये कि वहां पर भी ये बात नहीं कहती, पीपल्स पार्टी नहीं कहती कि बंद होने चाहिए, मौकफ की ताईद जो होती है असेंबली में खड़े होकर पीपल्स पार्टी भी कहती है, पीपल्स पार्टी का तो मौकफ ही नहीं है इसके ऊपर कुछ। भुट्टा साहब, मेरी गुजारिश यह है कि मौकफ की ताईद जो है वो आदमी के रवैये से मिलती है। आप पोलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का रोल जो है वो सड़क पे भी होता है, अवाम में भी होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि पार्लियामेंट के अंदर हमने 2 अल्फाज बोल दिया तो हमारी जिम्मेदारी अदा हो गई। यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि ये जो आप सड़क के रोल वाली बात कर रहे हैं, सड़क के रोल हमने अदा किए और अभी किए और अभी कर भी रहे हैं, वो है लोड शेडिंग के बारे में। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम लोग अहमियत भी नहीं, हम लोग असेंबली से निकल के पार्लियामेंटेरियन ने जाके धरना दिया था ईवाने सदर के सामने, और मियां यहाँ पे जब जहाँ पे हमारी हुकूमत है जो सूबे में, इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने 1 माह से जायद अपने आप को मीनारे पाकिस्तान के सामने लोगों के सामने सरापा एहतजाज बना के पेश किया। आप तो और आज हम देख रहे हैं अपने खिलाफ ही खुद दलील दे रहे हैं ना कि जब आपने एक चीज पे धरना दिया
आपके बकौल, तो आपका मतलब यह है कि उसकी अहमियत जो है वो इससे भी बढ़कर है, यानी मुल्क की सालमियत को खतरा है, मुल्क की सलामती को खतरा है आपके अपने बयानात के मुताबिक। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। फिर देखें, इन हाउस यू हैव टू प्ले योर पिवोटल रोल व्हेन यू आर अ पार्लियामेंटेरियन, यू हैव टू प्ले अ रोल व्हाइल यू आर ऑन रोड्स, बिकॉज़ आप पब्लिक मैन है, आपको लोगों के सामने आना है। अगर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं कुरैशी साहब को भी इंक्लूड कर लूँ ना एक सेकंड। कुरैशी साहब, आपका क्या इसके ऊपर टेक है? बिकॉज हमारी टीम्स अभी अमेरिका भी पहुंची हुई हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं उधर एज वी स्पीक। क्या आपको लग रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज इन वेन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है? जमात इस्लामी जो कर रही है, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल या नवाज लीग की तरफ से कभी कभार एक दो जुमले आ जाना। देखें जी, फरीद प्राचा साहब की भी बात मैंने बड़े ख्याल से और ध्यान से सुनी है, और नसीर भुट्टा साहब की, दोनों बड़े मुअज्ज़ज़ मेरे लिए हैं। तो यहाँ तक फरीद प्राचा साहब की बात का जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि आज हमारे ऊपर बड़े ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नीटो सप्लाई खोल लिया है, ये किया, और इनको अपना पीरियड याद है कि जब डिक्टेटर के कहने के ऊपर, जियाउल हक के कहने के ऊपर इन्होंने अफगान जिहाद का नारा लगाया। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ एक फिर दूसरे डिक्टेटर के इन्होंने सपोर्ट किया सतारवीं तरमीम की सूरत में, और उस वक्त तमाम मामला थे और इन्होंने कभी भी असम्बली के अंदर इस इशू के ऊपर बात ही नहीं की थी। और आज दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो कहते हैं कि ड्रोन हमले गलत हो रहे हैं और नीटो सप्लाई खुल गई है, और इसके ऊपर भी वो अपनी रिजर्वेशंस रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये कोई गवर्नमेंट ने गलत काम किया है, अगर आप लोड शेडिंग के ऊपर धरने दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों के घरों को आग लगा रहे हैं, एमएनए के घरों को, तो इसके ऊपर भी आप धरना तो दें, लॉन्ग मार्च तो करें। को रोक रहे हैं जो साहब आग लगने को रोक रहे हैं, रवैये जो, अगर हम बाहर ना निकलते तो आग लग चुकी होती। जो है दो फेसेस जो है ना आपके, एक फेस दिखाएं आम को, दो फेसेस ना दिखाएं। इधर आप तो आइडेंटिफाई कर लिए लोगों ने आपके, कैमरों से बात करते हैं कि जनाब हमने पॉलिटिकल अपनी सेविंग के लिए, फेस सेविंग के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज हमने ये फैसला किया है, नीटो सप्लाई हमने खोली है, हम इसको मानते हैं। एक फेस दिखाए ना आपको, ये तो नहीं यार खोली है तो कम से कम अपोलो जी तो उनसे ले लेते। मेरी बात ये तो, दिस इज द जॉइंट रेजोल्यूशन, उसमें आपने भी हाथ खड़ा किया था। आपकी बात सुनी है कुरैशी साहब, देखिए मेरी बात, मेरे मोहतरम भुट्टा साहब, मैंने आपकी बड़े सबर और बड़े कूल माइंडेड के साथ आपकी बात सुनी, मेरी बात तो पूरी होने दें। मेरी बात पूरी होने दें, फिर आप बोल रहे हैं मैं खामोश हो जाऊंगा। बात तो समझ आए ना मुझे भी आपकी और आपको मेरी। मैं आपकी बात को इंटरजेक्ट, मेरी बात तो पूरी होने दें यार, मैं आपकी बात को इंटरजेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ इन दी वे के जो आप कह रहे हैं, बाद में कर लीजिएगा ना। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो जिसकी बात आप कह रहे हैं ना, जॉइंट रेजोल्यूशन में आपके भी हाथ खड़े थे। चलिए एक सेकंड सॉरी कुरैशी साहब का तकलीम इमाम, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आप ही से आगाज करूंगी एक दफा, फिर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि $5,000 तो आप नेटो ट्रक्स पे नहीं ले रहे, अब 2.5 अरब रुपए जो कोएलिशन सपोर्ट फंड में आने थे, इसका भी 1.3 अरब रुपए जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं अमरीका ने, और हम अभी भी खामोश हैं। अंदर एमओयूज जो उधर साइन हो रहे हैं उस पर क्या साइन हो रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या डील है, प्लीज ये बताइएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। एक तरफ तो नेटो सप्लाईज बहाल करने के ऊपर एहतजाज सड़कों पे जारी है, जमात इस्लामी भी अभी पेश है, और ये कहना है मुनव्वर हसन का कि अगर ये इसी तरह हालात रहे और ये रूट्स बहाल रहीं तो फिर अरब स्प्रिंग एक दफ़ा पाकिस्तान में भी देखा जाएगा, वैसा ही इंतशार यहाँ भी फैलेगा। मगर एज वी स्पीक राइट नाउ कायम मकाम जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस शाकिरुल्लाह साहब, उनका ये कहना है कि तैयारी पूरी है, अब जब भी इलेक्शंस अनाउंस हों तो इलेक्शन कमीशन तैयार है। अब नेचुरली कोएलिशन सपोर्ट फंड्स तो अभी तक आए नहीं हैं, कहते हैं कि हमारी किटी, हमारा ख़जाना अभी तक खाली है। मैं कुरैशी साहब ब्रेक पर जाने से पहले भी आपसे यही पूछी थी कि मामला को किस तरह चलाया जाएगा, पहले तो $5,000 पर ट्रक मांगे वो भी वेव ऑफ कर दिया, अब मुफ्त चलता है सब कुछ। सेकंड, एक कोएलिशन सपोर्ट फंड के ऊपर 2.5 अरब रुपए का तकाजा था, उसके अंदर से 1.3 अरब रिजेक्ट हो गए अमेरिका की तरफ से, विच इज़ नो सरप्राइज बिकॉज रिजेक्शन रेट्स आपकी हुकूमत में हैव बीन हायर देन एवर बिफोर। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ कटा तो चला जा रहा है, मगर क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमारी टीम भी अमरीका में मौजूद है, कोई ऐसी आप रोशनी डाल सकते हैं किसी अंडरस्टैंडिंग पर? सबसे पहले तो बात मेरी मुकम्मल ही नहीं मेरे भाई नसीर भुट्टा साहब ने उन्हें दी, मैं यही कह रहा था कि एक चेहरा दिखाएं आवाम को, दो दो चेहरे ना दिखाएं, और मैं समझता हूँ आवाम को बरगलाने की कोशिश ना करें। और इस वाला से दूसरी जो मैं अर्ज करने वाला हूँ कि हमने
सात महीने नीटो सप्लाई अगर बंद की है तो मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद के लिए की है, और आज अगर खोली भी है तो मुल्क के मफाद के लिए। लेकिन एक बात, एक मिनट में अर्ज करता हूँ, और इसी बाला से हमारे जमात इस्लामी के फरीद प्राइस साहब बैठे हैं, और जिस वक्त बंद की गई तो इन्होंने ये क्रेडिट समझते हुए कि ये एक इदारे ने बंद करवाई है, और जब खोली गई है तो हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दो रवैये ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। अब आम को एक बात समझाई है, एक ही बात की तरफ लेके जाए। आप दूसरी बात जो कह रही हैं, दूसरी बात जो आप करने जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि क्रेडिट फौज को जाए, और जब एहतजाज और धरना करना है या शोर मचाना है तो हुकूमत के खिलाफ हो, तो उधर फिर पर चलते हैं। नहीं, उस वक्त ये बोला गया ना जी वो फौज ने बंद करवाई है, जी फौज ने बंद कराई है, और फिर एहतजाज खुली है तो फौज के खिलाफ एहतजाज करें, जाए मैदान में लगाए। लेकिन बात मैं समझता हूँ, ये रवैया ना करें। अब देखें, आपके बकौल हमने मेरी पूरी तो बात हो गई, बात कर ले, हमने अनपॉपुलर फैसले किए भी पूरी। हम मैं समझता हूँ आप कहते हैं कि हमने अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन हम उसके ऊपर खड़े हैं, हम स्टैंड करते हैं। लेकिन आपका रवैया तो हमें समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के वाम को सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, अंदर कोई बात करते हैं, बाहर आके कोई बात करते हैं। साहब, हमने खोली है, हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के मफाद के लिए खोली है। समझ नहीं आ रही, अगर आप इजाजत दीजिए कुरैशी साहब, आप ही से सवाल है, आपको इनकी समझ नहीं आ रही, और आप पार्लियामेंट में बैठ के जो कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस समझने से कासिर हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि कानून साजी तो होती है तो वो हुक्मरानों के हक में मिनटों में हो जाती है, और जो आपकी कानून साजी लेजिस्लेशन अवाम के हक में होनी है वो लटकती रहती है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज व्हाट यू हैव टू शो एग्जैक्टली। आपने बड़ी अच्छी, मेरे बुखारी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि किसी को समझ नहीं आ रही। ये ट्रांजिट पीरियड है जहां इदारों को भी समझ नहीं आ रही और पॉलिटिशियंस को भी समझ नहीं आ रही। ये समझने की कोशिश करेंगे, जब ये इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, सब चार चीज समझ आ जाएगी, हर एक को आ जाएगी, हर इदारे को समझ आ जाएगी। इस वक्त मैं समझता हूँ तमाम जो हैं पॉलिटिशियन वो सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बड़े मुहतात अंदाज में कहूँगा कि हमारे इदारे भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और रोजाना की उनकी स्टेटमेंट्स मैं नहीं समझता कि मीडिया के अंदर आनी चाहिए। उनका ये काम ही नहीं है मीडिया के सामने आकर ये बातें करना। और इस वाले से इस वक्त मैंने जैसे एमएलए भी कहा है, ये ट्रांजिट पीरियड इसमें सब सीख रहे हैं, कई कई जो हमारी गलतियां हम दुरुस्त करने जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं, इदारे भी जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ मीडिया भी जा रहा है। भुट्टा साहब, क्या बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही इस मुल्क में अभी, ना फौज को, ना अदलिया को, ना सियासतदानों को? इससे और फिर इफ दैट्स द केस देन द ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड, अवाम को भी नहीं कुछ समझ आ रही होगी? कुरैशी साहब, जब स्टेट बहुत समझदार है, कुरैशी साहब, जब इस मुल्क में क़यादत को कुछ समझ नहीं आ रही, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अवाम बहुत जब आप स्टेट विद इन स्टेट बनाएंगे, जब आप हुक्म अदूली करेंगे, जब अदारों को आप मानेंगे नहीं, जब आप अदारों की तजहीक करेंगे, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ उसी वक्त आएगा जब नेक नीयति होगी। जब आप जॉइंट रेजोल्यूशन लेके आएंगे, जॉइंट रेजोल्यूशन लेने के बाद भी आप उस जॉइंट रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ाएंगे, और आप जो है आज खुद एक तरफा आप नेटो सप्लाई ओपन करेंगे, और आप अपोलॉजी भी नहीं मांगेंगे अमेरिका से, और आप सॉरी एक लव सॉरी के ऊपर आप कह देंगे कि जी सारी उन्होंने अपोलॉजी मांग ली है, तो फिर ये आपका हाल होगा? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आपको भी आप चाहते हैं समझ ना आए, तो ये जिस तरह का रवैया आप इख्तियार किए हुए हैं, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आपने 4.5 साल निकाले हैं, तो ये इसी रवैये से आप अगर 6 माह भी निकालना चाहते हैं तो आप कौम का वक्त जाया करें। We are before the people of Pakistan. इंशाल्लाह हम निकलेंगे, और पहले भी हम निकले थे जब हमने अदरिया को बहाल करवाया था। अब एक बार फिर हमें निकलना पड़ेगा, हम निकलेंगे। एक सेकंड इजाजत दे दीजिए, बंद करवाओ, निकलो, अच्छा चले, आप निकलेंगे अपोजिशन, और आप बड़े खुश हैं, आप ओपन करके बड़े खुश हैं कि अंकल साहब जो है वो आपके साथ राजी हो गए हैं, अमरीका आपके साथ राजी हो गया है, अब आपके साथ जुल्म हो रहा है उनका। अच्छा चले, आप मेरी बात भी सुन ले, ये बड़ी पराचा साहब, अगर आप इसे पराचा साहब, एक सेकंड कुरैशी साहब, ये बड़ी मायना खेज बात है, एक सेकंड इसे भुट्टा साहब, जस्ट वन सेकंड, कौम का मजाक उड़ा रहे हो, कहते जी ना कौम को समझ आने देनी है ना आपने कोई इस तरह की बात करनी है। जब आप दोनों स्टैंड लेंगे, एक तरफ पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की बात करेंगे कि पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन है वो जॉइंट है, दोस्तों ऐसी साथ आप साथ ही आप पार्लियामेंट को भी जलील करने के ऊपर तुले हुए। अच्छा मैं, मेरा ख्याल ये है कि अब बहुत ज्यादा माफी करें आप। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए पराचा साहब, ये
कुरैशी साहब की बात में किस हद तक वजन है कि अगर ऑपोजिशन चाहे तो ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकती है? वो कहते हैं कि ड्रोन्स के खिलाफ आप हैं, नेटो के खिलाफ आप हैं, दीगर मसाइल के खिलाफ हैं, तो क्यों नहीं सड़कों पर निकलते? जितने तहमल से मैंने बात सुनी है, मैं मेरा ख्वाहिश भी है और मैं ये समझता हूँ कि कुरैशी साहब भी इसी तरह सुनेंगे। एक बात तो इन्होंने ये कह दी कि जी फौज को क्रेडिट दिया गया बंद करने का। हमने आपको क्रेडिट दिया, आपने क्रेडिट लेने की बात की, क्रेडिट ले बंद करने का भी वो भी कौम के मफाद में था, खोला वो भी कौम के मफाद में था। कौम को तो ये समझ नहीं आ रही। और फौज का सुप्रीम कमांडर कौन है? जनाब आसफ अली जरदारी साहब फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। अगर फौज की तरफ से कोई गलती है तो उसकी भी जिम्मेदारी आप पर आती है, और इसलिए आप इस बात पे फौज की तरफ करके या अदालतों की तरफ करके आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। ये जो 24-24 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, ये अदालतों ने नहीं करवाई है, आपने करवाई, आपकी नाहरियों की वजह से हुई है। ये जो इस मुल्क के अंदर महंगाई बदतरीन हुई है, ये जो कराची से रोज लोग राशे उठाते हैं, ये जो बलोचिस्तान के अंदर बदमनी है, ये जो बदतरीन किस्म की करप्शन है, ये जो मुल्क की दौलत लूट लूट के आपने इस मुल्क को गरीब कर दिया है और कंगाल कर दिया है और मकरूज कर दिया है, क्या ये अदालत की वजह से है? आप बिना वजह यानी अपनी उस सारी नाअहली को आप कभी किसी और के मत्थे लगाते हैं। एक से होल्ड, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद यही सवाल उठाया जाएगा। कुरैशी साहब कहते हैं कि यही मसला है जो सबको समझने की जरूरत है, कि अभी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही, हर कोई समझने से कासिर है। कौन क्या नहीं समझ रहा और कौन बहुत कुछ समझ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हर कोई एक ट्रांजिएंट पीरियड से गुजर रहा है और समझ नहीं अभी किसी को आ रही, ये कहना है तस्नीम कुरैशी साहब का। कुरैशी साहब आपकी जानब आऊँगी, एक सीधा सा सवाल है, बिकॉज हर किसी का ये तकाजा है, चाहे वो पार्लियामान में बैठे हैं या बाहर हैं, ऑफकोर्स माइनस पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी, के अब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएँ। आज कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस शाकिरुल्लाह साहब ने भी ये कह दिया है कि तमाम तैयारियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं, आप जब भी इलेक्शंस अब अनाउंस करें। मसला क्या है? फिर हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि वाकई अमरीकी पैसे की ज़रूरत है, डॉलर आएंगे तो माहौल क्रिएट होगा, ऐसा ऐसी डेवलपमेंट होगी, ऐसी स्कीम्स बनाई जाएंगी कि माहौल सेट हो के आप फिर आवाम को एक दफ़ा फेस कर सकें। देखें, इलेक्शन जो है अपने टाइम पे ही होने हैं 2013 में। अगर किसी को जल्दी है तो जो कोलिशन पार्टनर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इख्तदार में, पहले उनसे मुशावरत होगी और उसके बाद जो पोलिटिकल पार्टीज बाहर बैठी हैं उनके साथ मुशावरत होगी, अपोजिशन से होगी, तो फिर डेट अनाउंस की जाएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को भी कोई इतनी जल्दी नहीं है, और अपोजिशन का तो काम 24 घंटे यही होता है कि इलेक्शन इलेक्शन, और ये अभी तो बात नहीं है, ये तो पूरे मेरा ख्याल है 3 साल से यही कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं। भाई आप भी पब्लिक के आदमी है, हम भी पब्लिक में से पब्लिक, तो ये कुरैशी साहब एक बात की वजाहत कर दीजिए, एक बात की वजाहत कर दीजिए। फरीद प्राचा साहब मेरी सुन लें, आपके खिलाफ निकला है ना, आज रूस साहब ये तो बता दें, आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो किया है आप तो संभालना, जो आपको मिला मैंडेट आप कहां ले गए हैं, आपका मैंडेट कहां गया है, तो इसलिए आपकी महरूमी है। आपने तो कहना कि जल्द इलेक्शन हो, तो हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जब पार्टी बैठकर डिसाइड कर रहे हैं, हमें तो कोई बात नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में ना भाग रहे हैं हम। कुरैशी साहब एक बात की वजाहत कर दीजिए, एक बात की वजाहत कर दीजिए, आपने कहा लोग तो हमें कह रहे हैं कि 2 साल इन असेंबलियों को और तौसी दो, तो मुझे ये बात समझा दीजिए कि ये लोगों की ख्वाहिश है या आप खबर दे रहे हैं हमें? देखें, ये तो आइन के मुताबिक एक्सटेंड होनी है तो वो आइन के मुताबिक होगी, मेरे ख्याल में वो 6 महीने या साल का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। आवाम का तो दिल है कि पीपल्स पार्टी बैठी रहे इक्तदार में, ये तीसरे वफाकी वजीर हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, सोल्यूशन चाहते हैं और वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आखिरी हल है, इसके अलावा कोई सियासी जमात के पास ना सोच है, दो दो चेहरे लेके फिर रहे हैं, कभी अंदर बात करते हैं बाहर आके कुछ बात करते हैं, तो इसलिए वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है, उसने
अनपॉपुलर फैसले भी किए हैं तो उसने स्टैंड किया है, वो भागे नहीं हम आवाम से। अच्छा। ना हमने आंखें चुराई हैं, हमने कहा जी हमने किया फैसला। मुझे एक बात बताइए, बात के लिए किया, एक बात बताइए। तो इसी तरह ये बातें मेहरबानी करें आप भी, एक बात समझाइएगा प्लीज। और भुट्टा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बिकॉज जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कानून साजी जो है वो आवाम के हक में लटकी रहती है, तो अगर आप गोवर करें, 18वीं तरमीम आ गई, 19वीं आ गई, 20वीं आ गई, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बन गया, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन का स्टेटस बन गया, खवातीन के ऊपर जो जायदाद का के लॉज हैं कानून साजी उस पर भी हुई, ऑनर किलिंग के ऊपर भी हुई साथ आपने, मगर ये चीज़ें जो मोटी मोटी मुझे नज़र आई हैं अभी तक, इसके अलावा कुछ और किया है साढ़े चार साल में? देखें, ये तो आपने जो मेजर यहाँ पे ख़ास तौर पे बिल्स के हवाले से बात की है ना, 18th अमेंडमेंट, उसके अंदर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी दोज़ वर ऑन बोर्ड, और उसके ऊपर मोर देन वन ईयर एक एक्सरसाइज हुई, उसके बाद फिर हाउस के अंदर वो बिल लेके आए। जी जी, 102 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड, बट येट यू नो 102 अमेंडमेंट्स हुई हैं तरामीम, लेकिन इसके बाद ये आई बिलीव दिस इज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसके बाद 19th अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, और जो चीफ साहब का बयान है ये रिलेट करता है वहाँ पे, कि जहाँ पे हमने कहा कि कॉम्पोजिशन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और वो लोग जो इलेक्ट होके आए थे जब उनकी मेम्बरियाँ खतरे में पड़ी, तो देन एक लेजिस्लेशन आई, और फिर 20th अमेंडमेंट जो आई है ये भी उस वक्त आई है कि व्हेन इट वाज अ डायर नीड ऑफ द ट्रेजरी बेंच, तो फिर वहाँ पे हमने स्टैंड लिया कि अगर तुम ये लेकर के आ रहे हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आप मजबूत करो, उसको इंडिपेंडेंट करो। उसके लिए ये आई बिलीव कि मुझे तो 18th अमेंडमेंट से भी मैं नहीं समझता वो इतनी अहम है, तो 19th को भी नहीं समझता, लेकिन 20th अमेंडमेंट जो है दिस इज रियली हिस्टोरिक बिकॉज ऑफ द स्टैंड गिवन बाय PMLN। अच्छा। और वो ये स्टैंड जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बनाया गया पूरा मुकम्मल इंडिपेंडेंट और साथ ही चार जो मेंबरान थे उनके जो टिन्योर पीरियड था वो भी ठीक किया गया, और फिर उनकी रिमूवल जो थी वो अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर तो आप मुझे इजाजत दीजिए, एक सेकंड, फिर इजाजत दीजिए पराचा साहब, फिर तो चीफ जस्टिस इधर भी दुरुस्त हैं जिधर वो कहते हैं कि कानून साजी यकीनन हम नहीं करते, मगर जो कानून साजी करते हैं उनकी रहनुमाई हम जरूर कर सकते हैं, और रहनुमाई की जरूरत है। फिर देखिए, मामला तो ये है ना कि जी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो ये 20वीं तरमीम का बताया, या जिस तरह चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि जी जो कानून अपने हक के अंदर होता है, मफाद में होता है, वो तो मिनटों के अंदर तैयार कर लेते हैं, और अफराद के लिए कानून बन रहे हैं, यानी तौहीन अदालत का, दोहरी शरीयत का, अफराद के लिए कानून बन रहे हैं, तो ये एक और खास तौर पे कंटेंप्ट लॉ, और कंटेंप्ट लॉ मतलब ये है ना कि लोगों के लिए कभी हादी हो गई है, कभी यूं नहीं होता, ये तो पर्सन स्पेसिफिक। मैं भी एक कानून का तालिबे इल्म हूँ, ज्यूरिसप्रूडेंस हमें पढ़ाई गई थी LLB में, कि ये तो असूल कानून के ही मुखालफ है कि आप बजाय स्टेट के, अवाम के, लोगों के, आप अफराद के लिए कानून साजी करें, तो यहाँ अफराद के लिए कानून साजी हो रही है। और ये जितनी भी बिसाखियाँ ले लें, अब ये गिरती हुई दीवारों को कोई चीज़ सहारा नहीं दे सकती, जो कुछ खतरात सामने आए वो नज़र आ रहे हैं कि या तो 25 जुलाई को एक और कुर्बानी। आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का कौन मारेगा, बिकॉज फौज भी अभी नॉन पॉलिटिकल हुई हुई है, और अदलिया के ऐसे कोई इरादे नहीं है। अवाम ये अवाम मारेगी, तो कल मुल्तान में इलेक्शन है जनाब, कल अगर अब्दुल कादर गिलानी जीत गया तो फिर करप्शन है इतना, यानी उनवान ही उसका यह है, वहां के मुल्तान के लोग तो जानते हैं MBBS करप्शन, मियाँ बीवी बच्चों समेत, एक के जिम्मे जो है वो हाजियों का माल है, दूसरे के जिम्मे मनशियात का माल है, तो यानी मामलात ये है, अवाम इसके बारे में वोट देंगे। जमात इस्लामी तो तायीद कर रही है मुखालफ कैंडिडेट की, शौकत बोसन की, हमने तायीद की है, हिमायत की है, और हम ये समझते हैं कि रिजल्ट आएगा, तो अगर चाहे जिमनी इलेक्शन जो है वो सारी की सारी जीतेगा, कौन कराचा साहब खराबी जीतेंगे अवाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के, लेकिन वो जो धांधली के साथ होगा, यानी कि आपको अपने उम्मीदवार पे ज्यादा भरोसा नहीं है। नहीं, हम तो ये समझते हैं कि लोगों को लोग जो वोट दे देंगे वो जीत जाएगा। कुरैशी साहब, लास्ट 30 सेकंड्स लेफ्ट, द फ्लोर इज योर्स। देखें जी, हमारी तो मैं समझता हूँ, हम समझते हैं अवाम जो है ताकत का सरचश्मा है, और अवाम ने अगर देखें तो पीपल्स पार्टी को ही वोट दिए हैं पहले भी, और कल के इलेक्शन में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी सीट जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शायद आपका कहना दुरुस्त ही था कि वाकई इस मुल्क में अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए, आई विल सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।